भूमि के प्रायोजक हैं पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार। जहां है हरियाली वहां है खुशहाली। एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो भूमि। हर इंसान की सोच अलग होती है। कुछ लोग बस आज की सोचते हैं, ऐसे लोग मतलब ही हो। कुछ लोग शायद आने वाले कल की भी सोचते हैं, ऐसे लोग समझदार होते हैं। पर ऐसे कितने लोग हैं जो आज कल परसों नहीं बल्कि उस दिन की सोचते हैं जो शायद वो खुद देखने के लिए जिंदा न हो। ऐसे लोग विजनरीज होते हैं। मिलिए एक ऐसे ही व्यक्ति से, बैंगलोर के शिव कुमार। एक बड़ा शहर बेंगलोर। इस शहर को चाहिए जीने के लिए हवा, पानी, बिजली और दूसरी ऊर्जाएं। यहाँ एक ऐसा घर है जो इस मामले में स्वावलंबी है। इस घर का नाम है सौरभ, यानी सूर्य की आभा हो जहां। यहाँ रहते हैं एक वैज्ञानिक शिव कुमार और उनका परिवार। ये पूरा परिवार ऊर्जा बचाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। हमने इस घर में प्रकृति के हर वरदान को अपनाया है ऊर्जा संचय के लिए। घर निर्माण का हर एक घटक ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से चुना गया है। हम एक टीम की तरह काम करते हैं। ये घर आखिर एक सपना है। चले इस घर की सैर को। इसके पूर्वी छोर पर नीम का पेड़ हवा शुद्ध करने के लिए है और बगीचा नुमा ये पेरगोला। घर की सबसे खास जगह ये बेडरूम को कम से कम 4% ज्यादा ठंडा रखती है, यानी कि बिना खर्च प्राकृतिक एयर कंडीशनर। इस छोटी सी बगिया के और भी न जाने कितने योगदान है। बारिश का पानी हमारे घर में बर्बाद नहीं होता। इस पाइप से होता हुआ वो आता है और यहाँ पर साफ होता है। ये दरअसल नेटलॉन का एक टुकड़ा है जो पत्ते वगैरह को जमीन के नीचे जाने से रोकता है। फिर वो पानी नीचे जमा हो जाता है। 2 फीट नीचे बारिश का पानी इन टीपों में जमा होता है, फिर बूंद बूंद रिसकर ग्राउंड वाटर में मिल जाता है और उसे रिचार्ज कर देता है। उस पानी को बोरवेल के जरिए ऊपर खींचा जाता है। इस बोरवेल से हमें घर में पीने का बिल्कुल साफ पानी हासिल होता है। इस परगोला की एक और खास बात है, यहाँ केचुओं की एक छोटी सी कॉलोनी है। ये सचमुच एक टीम की तरह काम करते हैं। नन्ही बिटिया अभिनीता बताएंगे वर्मी कल्चर की बात। ये केचुओं से भरा गड्ढा है जिसमें हम डिग्रेडेबल कचरा डाल देते हैं। केचुए इसे खाते हैं और फिर खाद पैदा करते हैं। हमारे आसपास न जाने कितने तरह के प्राकृतिक वरदान बिखरे हुए हैं, मगर हम उनका इस्तेमाल करना नहीं जानते। अब इस सोलर कुकर को ही ले लीजिए। सिर्फ धूप की शक्ति से खाना तैयार कर देता है। किचन का काम अब बिल्कुल आसान। मैं अंदर से इसमें बर्तन डाल सकती हूँ। ये काफी सुरक्षित है और ऊर्जा बचाते हैं, मेरी और मेरे पति की भी। आमतौर पर सोलर कुकर बक्सा नुमा होते हैं और छत पर रखे जाते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। ये रसोई का एक हिस्सा है। खिड़की के ठीक नीचे इसकी एक जगह बनाई गई है और ये महंगा बिल्कुल नहीं है। शिव कुमार एक एनर्जी कंसल्टेंट है और ऊर्जा संरक्षण की सारी हिकमतें जानते हैं। सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली तारा है सूरज।
इसकी रोशनी में इतनी ऊर्जा होती है कि दुनिया भर की बिजली की समस्याओं से निपटा जा सके बिना पॉल्यूशन के। ये है सोलर पैनल जो सौर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदल देता है। ये पानी हम दो टंकियों में जमा कर लेते हैं। इसके लिए दीवार में इंसुलेटर के तौर पर भूसा यानी राइस हस्क का प्रयोग किया गया है। दिन भर ये पानी गर्म होता रहता है, फिर हम पूरी रात और सुबह तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल्स हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं, जिससे आप टीवी फ्रिज वगैरह चला सकते हैं। धूप वही है, कोई उसे इस्तेमाल कर पाता है, कोई यूं ही जाया हो जाने देता है। ये दीवार 9 इंच मोटी है, बीच में 3 इंच का गैप रखा गया है हवा के लिए, जो इंसुलेटर का काम करती है, यानी कि बाहरी दीवार की गर्मी अंदर नहीं पहुंचने देती। इस पद्धति को रैप ट्रैप डिजाइन कहते हैं। इससे घर ठंडा रहता है। प्रकृति में वो सब कुछ है जिससे हमारी दैनिक जरूरतें पूरी हो सके। कुछ तो लापरवाही की और कुछ जागरूकता की कमी की वजह से आज हम एक बहुत बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। सच ही तो है, कुदरत अपनी हथेली खोले खड़ी है और हमें उसके वरदान नहीं दिखते। दरअसल सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को कैसी दुनिया भेंट करना चाहते हैं। जिस दुनिया में हमारे बच्चे जिंदगी गुजारने वाले हैं, उसकी खूबसूरती बरकरार रखी जा सकती है, मगर शर्त यह है कि हमारे अंदर समझ हो, फिक्र हो, जज्बा हो। इन्होंने अपने अनुभव से ये महसूस किया कि जीने के और भी बेहतर तरीके हो सकते हैं। कागज की बचत करें, फिर से इस्तेमाल करें और पेड़ बचाएं। जहां है हरियाली वहां है खुशहाली। रोशनी जरूरी है, नाश्ता जरूरी है, सुविधाएं जरूरी है, ठंडी हवा, गर्म पानी, मनोरंजन सब जरूरी है, लेकिन क्या बर्बादी भी जरूरी है? देखिए फर्क शिव कुमार और उनके पड़ोसी के बिजली के बिलों में। पड़ोसी जिनके पास सोलर वाटर हीटर नहीं है, उनका बिल है 517 रुपए और शिव कुमार का बिजली का बिल है सिर्फ 200 रुपए। बिजली तब इस्तेमाल करें जब उसकी जरूरत हो। ये आदतें न सिर्फ आपके पैसे बचाएंगी, बल्कि बचेगी वो ऊर्जा जो आपके लिए जरूरी है।